बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 28 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, अपने लास्ट लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमने सॉल्व किया था। 8 का पार्ट नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया था और पार्ट नंबर 1 आपने ख़ुद सॉल्व करना था। उम्मीद है सब बच्चों ने कर लिया होगा। आज इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। इक्वेशन में ज़रा आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 3 है, इसको आप 4 कर लीजिए। जी बेटा, प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। हमें इस इक्वेशन के रूट्स को रियल प्रूफ करना है और रियल प्रूफ करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है तो इट्स मीन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 × k + 1/k × x + 4 डैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा आप ए बी सी की वैल्यू निकालिए। हियर ए इज़ इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड द कोफिशेंट ऑफ एक्स इज़ 2 × k + 1/k एंड सी इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज़ 4। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर रियल रूट्स, क्योंकि हमें रियल रूट्स प्रूव करने हैं। फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। जी, रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है। जी बेटा, अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। जी, डिस्क्रिमिनेंट बी की वैल्यू हम पुट करते हैं। बी की वैल्यू हमें गिवन है 2 × k + 1/k² माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू हमारे पास 4। ठीक है बेटा जी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4, के प्लस 1/k² हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, माइनस 4 × 4 = 16। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 × k² + 1/k² + 2k −16। जी बेटा, 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4k² + 4/k² + 4 × 8 और −16 एज इट इज। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4k² + 4/k² माइनस जी 16 − 8 इज रिमेनिंग −8। ठीक है बेटा जी। अब ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है जी। अब इन तीनों टर्म्स में से हमारे पास 4 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास k² + 1/k² माइनस। जी बेटा, 4 कॉमन लिया तो 8 की जगह क्या रह जाएगा, 2। ठीक है बेटा जी। अब इसको हम दोबारा स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। 4 को हम लिखते हैं 2² और a² + b² − 2ab। फार्मूला ओपन हुआ है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करेंगे तो k − 1/k² ठीक है बेटा जी। तो फाइनली डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या बन गया, 2 × k − 1/k² सो दिस प्रूव डैट
रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल. डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पे लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल. ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 अब हम सॉल्व करते हैं. जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें गिवन है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन हमें गिवन है आर रियल. क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने गिवन इक्वेशन के रूट्स को रियल प्रूफ करना है. रियल प्रूफ करने के लिए हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर. तो इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को भी हम परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ करेंगे. अगर परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ होता है सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल. जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, इक्वेशन हमें गिवन है, आफ्टर सॉल्यूशन यू राइट अगेन गिवन इक्वेशन बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स और प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. Here A is equal to coefficient of x square and the coefficient of x square is b minus c and b is the coefficient of x and the coefficient of x is c minus a and c is the constant term and the constant term is a minus b. ठीक है बेटा जी, अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट must be positive and perfect square. ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे discriminant b square minus 4ac इसको भी हम perfect square प्रूव करते हैं. अगर प्रूव हो जाता है so the roots of the given equation are real. जी बेटा, b की वैल्यू हम पुट करते हैं, b की वैल्यू में गिवन है c माइनस ए होल स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू में गिवन है b माइनस c और c की वैल्यू में गिवन है a माइनस b. डैट इज इक्वल टू स्क्वेयर ओपन करते हैं c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस 2ca माइनस 4 एज इट इज. इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, a भी b को b से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस b स्क्वेयर, माइनस सी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सी ए, माइनस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी सी. ठीक है बेटा जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू सी ए. माइनस फोर को बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस फोर ए बी प्लस फोर बी स्क्वेयर प्लस फोर सी ए माइनस फोर बी सी. ठीक है बेटा जी, अब बेटा इनको मैं ज़रा अरेंज करके लिखूँगा. अरेंज देखिए, मैं ऐसे कर रहा हूँ ए स्क्वेयर प्लस ये, इसको मैं बोलता हूँ बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. ठीक है, प्लस टू ए बी. अब यहाँ पे हम ए बी वाली टर्म लिखते हैं, इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे टू टर्म सिंप्लीफाई होंगी, इसको मैं लिखता हूँ प्लस फोर ए बी बी सी. ये बेटा हमें बी सी गिवन है माइनस फोर बी सी. अब ये देखिए, माइनस टू सी ए और प्लस फोर सी ए, माइनस टू सी ए प्लस फोर सी ए. दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ए स्केयर, ये ए स्केयर लिख दिया, सेकंड में फोर बी स्केयर, ये फोर बी स्केयर आ गया, उसके बाद ये सी स्केयर, ये सी स्केयर लिख दिया. ठीक है, इसके बाद माइनस फोर ए बी, ये माइनस फोर ए बी आ गया, माइनस फोर बी सी, ये माइनस फोर बी सी लिख दिया. अब ये दो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, माइनस टू सी ए प्लस फोर सी ए, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, प्लस टू सी ए. ठीक है बेटा जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, जी बेटा इसको मैं ज़रा अब इस फॉर्म में लिखता हूँ, टू ए स्क्वेयर प्लस, इसको मैं लिखता हूँ माइनस टू बी होल स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. इस फॉर्म में कैसे लिखा, ये क्यों लिखा, ये अभी मैं आपको बताता हूँ. अब बेटा ये जो आपके पास तीन टर्म्स हैं,
इन तीन टर्म्स को फ़िलहाल अभी आप इग्नोर कीजिए। अब आप मुझे ज़रा ये बताइए कि फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जी शाबाश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी, ये बी सी और प्लस टू सी ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ये बी की वैल्यू जो भी है माइनस टू बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके फार्मूले के मुताबिक आप अपना फार्मूला कंप्लीट कीजिए। प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये तीनों टर्म्स कंप्लीट कीजिए। इनको फ़िलहाल अभी हम इग्नोर करते हैं, आप इन तीनों टर्म्स से फार्मूला अपना कंप्लीट कीजिए। ए माइनस टू बी प्लस सी, इन तीनों टर्म से आप अपना फार्मूला कंप्लीट कीजिए। प्लस टू ए बी, टू ए और बी हमारे पास क्या है? माइनस टू बी ए। प्लस टू बी सी, ये बी है और ये सी है, और प्लस टू सी और ए, ये प्लस टू सी ए आपका आ गया। अब ये माइनस टू बी, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो डेफिनेटली फोर बी स्केयर, माइनस का स्केयर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर बी स्केयर ही है। माइनस टू बी होल स्केयर बेसिकली क्या है? फोर बी स्केयर है। अब ये मैंने क्यों किया ऐसे? अब ये देखिए, ये आपको क्या टर्म गिवन है? माइनस फोर ए बी। अब ज़रा इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ए बी, ये आपके टर्म है फोर ए बी, ये फोर ए बी लिखा हुआ, माइनस फोर ए बी। जी बेटा, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपके पास आएगा माइनस फोर बी सी, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर और बी सी, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस। ठीक है बेटा, इसलिए इनको इस तरतीब से लिखा, इस तरह इनकी अरेंजमेंट की ताकि हमारा फार्मूला क्लोज हो सके, फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस टू फार्मूले का बी सी प्लस टू सी ए, और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमारे पास माइनस टू बी है। ठीक है बेटा, अब इस फार्मूले के मुताबिक हम क्लोज कर रहे हैं, ये हमें लेफ्ट साइड गिवन, राइट साइड गिवन है, और उसको हम क्लोज करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर हो जाएगा। जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आया? ए माइनस टू बी प्लस सी होल स्केयर, परफेक्ट स्केयर, पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्केयर, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। इसके लास्ट में भी हम यही स्टेटमेंट लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्केयर, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक तमाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं। कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्यूब रूट, जैसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको डायरी लिखवा देता हूँ। क्यूब रूट्स, जी बेटा ये तो सबको पता होगा ये कौन सा साइन है और इस साइन को क्या पढ़ते हैं। जी इसको क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/2, मीन के पावर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखते हैं? अगर बेटा यहाँ पे इंडेक्स मैं 3 लिखूँ तो फिर इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या हो गई? 1/3। अगर बेटा मैं रेडिकल साइन में यहाँ पे इंडेक्स में 4 लिखता हूँ, अब बेटा इसको बताइए क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ेंगे आप फोर्थ रूट। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ रूट, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 1/4। जी बेटा अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स में 5 लिखता हूँ तो बेटा इसको क्या पढ़ेंगे आप? फिफ्थ रूट पढ़ेंगे, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है क्यूब रूट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1
एंड देयर प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो 2.2.1 आर्टिकल में हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 के हमें क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्यूब रूट्स, बात समझ आ गई होगी, क्यूब रूट्स का मतलब पावर 1/3, इंडेक्स कितना होगा 3 होगा, रेडिकल साइन एंड इंडेक्स कितना होगा 3 होगा, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट पढ़ेंगे। और अगर इंडेक्स कुछ भी ना हो तो उसको हम पढ़ते हैं स्केयर रूट। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए, डायरी आप एक्सरसाइज 2.1 दो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कल इंशाल्लाह हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।